गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जियो में मुझे कहा वो क्या साहब साहब ने तो कहा मम्मी मंगाओ क्या। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी सुबह का तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे ये सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं सुबह के टाइम में सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। बाथरूम जाना रहता है, बाथरूम जाके उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। और मैं रोज़ डेली झाड़ू मैं नहीं लगाती हूँ, कभी हम लगा लेते हैं, कभी मेरे सास मम्मी लगा लेती हैं। तो जो जिस दिन पहले उठते हैं ना, तो वो पहले झाड़ू लगा लेते हैं। मैं ज़्यादातर मम्मी ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब हमसे पहले वो उठती है रोज़, बहुत सवेरे उठ जाती है। तो वो झाड़ू जब मैं सो के उठती हूँ तो झाड़ू लगा देती है। तो मैं तो ये मेरा सुबह का काम ये रह जाता है कि मुझे चूल्हा निपना है। और जब मैं चूल्हा पर खाना बनाती तो चूल्हा कभी कभी मैं रात के ही निप लेती हूँ, कभी सुबह में रह जाता है। तो जो काम है वो मैं देख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चूल्हा वूल्हा क्लीन मतलब निप उप के ये मिट्टी से निपा जाता है। जैसे कि गैस पर बनाते हैं तो गैस सबको भी साफ उफ करना रहता है। तो ये काम सब तो डेली यूज का है, डेली होता है ये काम सब। अब मैं आज ना मानसी और आयुष मेरे साथ ही उठ गया था, उसके बाद हम यहाँ पे बर्तन भी धो लेते हैं साथ ही में। तो बर्तन धोना भी एक सुबह का ही रूटीन है। और कभी कभी जब बच्चे सो जाते हैं ना रात को सवेरे, तो मैं रात को ही धो लेती हूँ। जब बच्चा लेट से सोता है, मेरे साथ सोता है, तो मैं सुबह में धोती हूँ। तो ये वाला टाइम बर्तन धोने का, उसके बाद बर्तन धो के उसके बाद ब्रश करके और ब्रश करके मुँह हाथ धो के ये मैं क्लीन में फ्रेश हो गई हूँ। मैं ब्रश रोज़ सुबह ही कर लेती हूँ, मुझे जब तक मैं ब्रश नहीं करती हूँ ना तब तक मेरा कोई काम में मन ही नहीं लगता है। तो ब्रश करने से ना थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, तो ये होता है। तो मैं ब्रश करके उसके बाद ही मैं खाना का काम करूँगी। अमनसी आयुष आज मेरे साथ बहुत सवेरे उठ गई थी, मैं 5:30 बजे उठी थी आज। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें पूरा चीज़ है। यहाँ पर आयुष भी ब्रश कर रहा है, ये जिबिया कर रहा है अभी शायद, तो मैं उसको भी पानी भर के रख दी हूँ। और वो मेरे से नहीं करता, मैं दवाई लगा मैं उसको टूथपेस्ट लगा के दे देती हूँ, वो खुद से कर लेता है, मुझसे नहीं करवाता है। मैं करूँगी भी ना तो वो हमसे नहीं कराएगा। उसके बाद हमानसी को यहाँ पे रख रहे थे। तो जो खाना की जो तैयारी होता है ना, तो वो सबसे पहले मैं ये सब करके उसके बाद मैं खाना की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना की तैयारी करने के बाद ही कोई काम अच्छी तरीके से होता है। तो जो भी मुझे आज खाना बनाना है मैं उसका मैं तैयारी पहले कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है क्या, ये अरबी का पत्ता है, अरबी अड़कंच, अड़कंच हम लोग के गांव में तो अड़कंच बोलते हैं, उसका पत्ता है। तो मैं इसका ना सब्जी में बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैं पूरा रेसिपी आज नहीं दिखा पाती हूँ, तो मैं जो भी इसका जो भी तैयारी करना है ना, तो वो मैं थोड़ा कर लेती हूँ। तो जितना भी पत्ता है ना, सब मैं दाल को मिला के इसका एक रोल बनाना है, दाल लगा लगा के रोल बना के उसके बाद हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये तो जो तैयारी करना था उसे खाना बनाने से पहले उसमें कर लेती हूँ। और मैं सुबह सुबह ना रोज़ चूल्हा पर ही खाना बनाती हूँ, गैस पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह में ना ज़्यादा खाना बनता है, जैसे कि ज़्यादा आइटम बनता है सुबह के टाइम में। तो हम लोग यहाँ पर होता क्या है कि नाश्ता और लंच एक ही साथ बन जाता है ना। तो हम मेरा ससुर ना राज मिस्त्री है, जैसे कि घर बनाने वाला मिस्त्री, तो घर बनाने का मिस्त्री है। तो वो लोग उनका ड्यूटी है कि 8 बजे जाते हैं वो लोग, 8:30 बजे। तो उससे पहले खाना भी और लंच नाश्ता और लंच दोनों तैयार होना चाहिए। तो हर गांव में सबके घर में यही होता है कि लंच और नाश्ता एक ही मतलब सुबह में ही बन जाता है। तो मैं साथ में चाय भी पी रही थी और उधर में खाना भी बना रही थी, ये देख रहे हैं ना। और आयुष को भी अब स्कूल निकलना है, अब मॉर्निंग स्कूल हो गया है 7 बजे से ही, तभी शायद 7 नहीं बजा है, तो 7 बजने ही वाला है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से मैं कुछ इसको खिला देती हूँ। और मैं यहाँ पे मानसी भी आ गई थी, तो ये इसमें ना सेवई रखा था, मैं सेवई बना दी थी आयुष को, तो मानसी ले लेके खा रही थी। दोनों भाई बहन इतना खाने के लिए ये करती है। और इसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ये अरबी के पत्ते के अड़कंच की सब्ज़ी मैं बना चुकी थी। तो मैं इसमें लास्ट में नींबू डालना होता है, नींबू के बिना तो ये सब्ज़ी अच्छा बनेगा अच्छा, लेकिन इसका जो लगता है ना गले में वो बड़ा लगेगा। और ये सब्ज़ी देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो मैं किसी और दिन आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर बना के बताऊँगी। यह हमने क्या किया, हम मसूर के दाल फुला के पीस के और इसी पत्ता में
लगा लगा के, जैसे बेसन लगा लगा के इसका रोल बना लिए हैं, और रोल को कट कट के फ्राई करके और उसके बाद इसको तल के इस तरीके से बनाए हैं। तो मैं किसी दिन इसका रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद ये देखिए हमारे गेट के सामने खाना बना बन चुका था, तो 9-10 बजे के मतलब इधर मेरा खाना बन जाता है। तो ये देखिए ये सब ही ना, ये कुछ बिकने वाला आ गया था तो ये सब ले रहा था ना, तो मैं दिखा रही थी, मैं भी कुछ ली हूँ, दिखाती हूँ अभी अभी दिखाऊँगी। पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। ये ना कान का, गले का, चूड़ी, यही सब जो हम लेडीज़ पहनते हैं ये सब ही मिल रहा था, लेकिन अच्छा अच्छा मिल रहा था और इसका रेट भी कुछ अच्छा ही था, क्योंकि दुकान में हम जाते हैं ना तो दुकान में महंगा मिलता है, महंगा मिलता है। जितना हम रेट कहते हैं दुकान में तो कितना हम कम करवा लेंगे, 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, इतना कम करते हैं, इससे ज़्यादा तो दुकान में कम करेगा नहीं है। ये लोग जो आते हैं ना तो इन लोग से मतलब नहीं भी लेने का मन रहेगा, अगर आप बोल देंगे कि इतना में दे दीजिए तो उनका उसका देने का मन रहेगा तो दे देगा, नहीं देने का मन करेंगे नहीं लेना है जाइए। तो इस तरीके से जहाँ पे 2-4 लेडीज रहता है ना तो वो भी लोग भी देने को मजबूर हो जाता है। तो ये देखिए ये वाला इसका सेट में अभी ये इसका सेट है, जैसे कि ये कान का और गले का और मांग टीका, एक आता है ना मांग टीका, और ये कान का ही रहता है, इसमें एक गला का भी दिया हुआ है। ये देखिए ये है गले का और ये मांग टीका और ये कान का, और ये तीनों चीज़ का सेट है। ये 100 रुपया का मिला है, और ये एक और मैंने लिया है ये वाला, देखिए ये जो गला में चिपका हुआ रहता है ये वाला मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो गला में चिपका हुआ रहता है ना ये वाला मैंने लिया, ये है 50 रुपये का, ये 50 रुपया का है, और ये वाला जो मांग टीका वाला है वो 100 रुपये का, मतलब दोनों चीज़ 150 का दिया है। तो क्या महंगा दिया दोनों चीज़ 150 में, तो आप लोग बताना महंगा है कि सस्ता है, मुझे महंगा नहीं लग रहा है। मैं ये 50 रुपये का दिया और ये 100 रुपये का दिया, तो देखिए पहनने के बाद इस तरीके से दिखने को लगता है। तो उसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ रेसिपी। ये है लौकी, लौकी का रेसिपी आप लोग, मैं नए ये नया तरीका मैं बताती हूँ इसका। मैं बड़ी बनाऊँगी, कुम्हरौरी अदौड़ी जो बोलते हैं ना, तो ये हमने लिया था दाल, या कोई भी चीज़ का, मसूर का, खेसारी का, चना का, कोई भी चीज़ का दाल ले सकते हैं। तो हमने दाल को भिगो के मिक्सर में पीस लिया है, पीसने के बाद ये जो लौकी था लौकी को घिसने से छिल के घिस घस लिया है, इसका पानी निचोड़ के जैसे हम पेठा कुम्हड़ का बनाते हैं उस तरीके से निचोड़ के दाल में मिक्स करके, और मैं ये बड़ी बना रही हूँ। मैं छोटा छोटा रेसिपी दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने दाल बचा लिया था, उसके बाद यहाँ पर लिया हमने तीसी, तीसी मतलब अलसी, तो हमने अलसी लिया है तीसी, और उसमें डाला है मिर्ची, नमक और अजवाइन, और सभी को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ताकि इसमें लस्सी आ जाए थोड़ा सा, इस तरीके से रखेंगे ना तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ी के जैसा बनने लगे। तो यहाँ पे मैं पानी थोड़ा सा, ये पानी कम लग रहा था ना तो मैं पानी डाल के उसके बाद अच्छी तरीके से इसको मैं पीसी हूँ। और यहाँ पे देखिए ये केला का, गाँव में ना केला पत्ता पैर ज़्यादा यूज होता है, तो मैं इस तरीके से सारे बड़ी को बड़ी के जैसा मैं बना लूँगी। ये देखिए बड़ी के जैसा सभी को बना लेंगे, और इसको तेल में तल के चाय के साथ, वैसे भी कभी कभी खाने का मन होता है तो इस तरीके से हम खाएंगे। अलसी का भी ये मतलब जैसे चरौड़ी बनाते हैं ना चावल के, इस तरीके से बनाते हैं। ऐसे सुबह का टाइम भी मेरा रूटीन ना बहुत ही रहता है, और कोई कोई वीडियो तो मैं शूट भी नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद मुझे नहाते वहाते ना 11 बज गया था, और खाना वाना खाते 12 तो बच ही गया। तो मैं कपड़ा डालने आ गई हूँ छत पे, तो मैं कोई कोई वीडियो हमेशा हर चीज़ का वीडियो नहीं शूट कर सकती हूँ ना, अकेला है बार बार कैमरा पकड़ना ऐसा करना नहीं हो पाता है। तो कोई भी काम मतलब ऑन ऑफ कैमरा में भी होता है काम सब। तो उसके बाद मैं नहा धो के, मैं सबसे पहले मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग गया था, तो मैं सोची कि पहले मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद कोई काम आगे का देखेंगे। तो यहाँ पर मैं खाना भी निकाल लेती हूँ, और ये देखिए मैं खाना, मैं कह रही थी ना कि खाना मैं दिखा रहा था। यहाँ पे हमने ले लिया है दाल, चावल, आलू का चोखा, भरता, भरता बोलते हैं कि चोखा बोलते हैं पता नहीं, और ये अरबी पत्ता की सब्ज़ी। तो मुझे तो अरबी पत्ता की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, बहुत ही टेस्टी भी बनता है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इस तरीके से बनाएंगे तो सब पसंद करेगा, जो नहीं भी खाता है उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसका टेस्ट भी कुछ अलग आता है। और यहाँ पे मैं आयुष को दे दी हूँ खाने के लिए, तो ये दोनों देखिए कितना मतलब ये मानसी उससे मतलब कह रही कि मुझे भी खाना है, आयुष कहता है मुझे खाना है,
तो ये दोनों भाई बहन इसमें खाएगी, थोड़ा सा नीचे गिराएगी, थोड़ा सा मतलब खाएगी नीचे गिराएगी, इस तरीके से दोनों को खाना होता है, बर्बाद भी बहुत करता है खाना। देखो उसके बाद अब हो गया है दोपहर का टाइम, अब इसको उसको सुलाते हैं, हमें थोड़ा सोएंगे। इसका गाने के लिए इतना रोएगा कोई? ये देखिए इसको हम तैयार कर दिए हैं, बैग तैयार है, हर चीज तैयार है, ट्यूशन जाने के लिए इतना रो रहा है। चलो बेटा माँ चलो चलो, कुछ नहीं होगा बेटा, नहीं आऊंगा, नहीं कुछ नहीं होता ट्यूशन में, तुरंत छुट्टी हो जाएगा। मोबाइल देगा कार्टून देखने के लिए, मोबाइल देगा तो दूसरा आओ, तो कार्टून देखना दूसरा आओ, चल जाओ हम कार्टून देगा, इतना बहुत देर कार्टून देखने देगा, बहुत देर देगा मोबाइल, जाओ ट्यूशन से आवे ना तो मोबाइल देगा बेटा, क्या मोबाइल देखेगा, जाओ चलो जाओ चलो चल। तो देखिए फ्रेंड मैं आयुष को कैसे भी करके तैयार करके उसके बाद मैं इसको ट्यूशन भेजी हूँ, तो अब हम सोएंगे, थोड़ा देर सोएंगे और आराम करेंगे, अब कुछ कपड़ा उपड़ा का सिलाई भी करना होता है तो मैं वो भी करके करती हूँ, तो बहुत सारा काम रहता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए मेरे चैनल पर।